हमारा क्या इंतजार कर रहा है? हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? ओह यह सही है, मैं बहुत ज्यादा खेल रही हूँ। तुम्हारा पहला पुरस्कार यह पॉपिट है, वह मेरा होगा। लो कर लो बात, वह मेरा होगा। चलो चुप हो जाओ। जो भी एक मिनट में क्रेयॉन से एक कूल पॉपिट ड्रॉ करेगा उसे यह मिलेगा। समय शुरू हो चुका है। हाँ मैं ड्राइंग में बहुत अच्छी हूँ, मुझे लगता है कि यह पॉपिट मेरे पॉकेट में ही आएगा। चलो वो तो हम देखेंगे। मेरे पास बस एक शानदार आइडिया है। अगर हम सारे पेंसिल को एक साथ चिपकाकर एक ही साथ सब कर सकते हैं, तो प्रत्येक रंग को अलग से क्यों ड्रॉ करें? हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब इसे शुरू करती हूँ। वाह ये वास्तव में एक अच्छा आइडिया है। मुझे यह भी पता है कि स्कॉच टेप के एक टुकड़े को कैसे लगाया जाए। हाँ इन सब को इस तरह से लगाती हूँ और फिर अब इसके अलावा मुझे हेयर ड्रायर की ही जरूरत होगी। जब क्रेयॉन पिघलेगा तो एक असली इंद्रधनुष पॉपिट मेरे कागज पर दिखाई देगा। क्या बेटी, मुझे लगता है तुमने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ओह कितना भयानक है, अब मुझे क्या करना चाहिए? ओह पॉपिट तो बना नहीं, इसके अलावा पूरा हाथ पेंट में ढक गया है। अब मैं क्या करूं? ओह मुझे लगता है अब मुझे निश्चित रूप से पॉपिट मिलेगा। लड़कियों तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, अब मुझे दिखाओ कि तुमने क्या बनाया है। बेटी तुम पहले दिखाओ। बेटी ये कुछ बेकार सा है। एमा तुम्हारे पास क्या है? वाह एमा मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, मुबारक हो, अब पॉपिट तुम्हारा है। अरे वाह धन्यवाद, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये सही नहीं है, मैं भी इसे पॉप करना चाहती हूँ, ये मुझे दे दो। हाथ हटाओ। ओह अब ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अब मेरे पास पॉपिट का एक टुकड़ा है और मुझे लगता है कि यह अच्छा है, और मुझे यह अच्छा नहीं लगा। इस बार हमारा क्या इंतजार कर रहा है? हागी वागी चेहरे के रूप में एक विशाल केक। ओह मैंने इसे लगभग गिरा दिया था। ओह सावधान रहो, मुझे लगता है बेहतर होगा कि मैं केक को टेबल पर रख दूं। लड़कियों तुम्हारे पास एक मिनट है और इस बार तुम इस पेंट के साथ काम करोगी। यह आसान है, यह कुछ भी नहीं है कि मैंने ड्राइंग स्कूल में अपना समय बर्बाद नहीं किया है। मैं भी कोई अनाड़ी नहीं हूँ और मैं पहले से ही एक अच्छा केक बना रही हूँ। देखो यह अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं है, मैं अच्छा कर लूंगी। लेकिन मेरा ड्राइंग तुमसे बेहतर होगा। ओह बेटी तुमने यह क्या किया है? तुम्हें पता है क्या, मुझे लगता है कि यह मुझे वास्तव में तुम पर सूट करेगा। और अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपनी ड्राइंग कैसे बचा सकती हूँ? शायद अब नहीं। हालांकि मेरे पास एक आइडिया है, इन धब्बों को हगी बगी ऊन में क्यों नहीं बदलते? मुझे लगता है कि यह अच्छा लग रहा है ना? अब बस इसका मुंह बनाना ही बचा हुआ है और मेरे पास सब कुछ तैयार है। अब केवल ड्राइंग के आधे हिस्से को कॉपी करना ही रह गया है। एमा देखो तुम्हें यह कैसा लग रहा है? ओह मुझे परेशान मत करो। खैर चलो ठीक है, तुम्हें सिर्फ मुझसे जलन हो रही है। आह नहीं मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या करूं? ये मेरे ड्राइंग को बर्बाद करने की सजा है तुम्हारे लिए। लड़कियों बातें करना बंद करो, ये ड्राइंग दिखाने का समय है। ओ मैंने पहले कितना अच्छा किया था, अब ये कुछ डरावना है। बेटी ये कुछ डरावना तो है लेकिन निश्चित रूप से हगी वगी नहीं है। लेकिन एमा ने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे लगता है इस दौर की विजेता स्पष्ट है। एमा केक अब तुम्हारा है। वाह ये
बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। कितना अच्छा, स्वादिष्ट है लेकिन वह मेरा है, मैं इसे पूरा खाऊंगी। तो क्या आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि इस बार आपका क्या इंतजार कर रहा है? तड़ाम! ये एक वेंडिंग मशीन है जो स्वादिष्ट गम से भरी हुई है और ये सभी च्युइंगम आप में से एक के पास जाएंगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप उनसे किस तरह के बबल बना सकते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया। और इस राउंड में आप पेंट के साथ ड्रॉ करेंगे, जो सबसे अच्छा काम करेगा उसे गम मिलेगा। तो फिर चलो काम शुरू करते हैं, समय निकल रहा है। च्युइंग गम, वाह, मुझे गम बहुत पसंद है। उफ, पर मुझसे एक अच्छा सर्कल बन नहीं रहा है। मुझे लगता है कि यह कैची मेरी मदद करेगी। हाँ, यह अच्छे से काम कर रहा है। यह आइडिया मस्त था। यह बहुत बढ़िया से हो रहा है। यह किसी मशीन की तरह काम कर रहा है। अब मुझे इस कैची की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ब्रश से ही काम करूंगी। ओह, बेटी तो अच्छा कर रही है। और मेरे पास एक बड़ा ब्रश है, उसकी मदद से मैं उसी आकार की च्युइंगम बना सकती हूँ। ओह, एमा का ब्रश वास्तव में अच्छा है। मुझे क्या करना चाहिए? रुको, मैं चिंतित क्यों हूँ, मेरे पास उंगलियाँ हैं। ओह वाह, नहीं, लेकिन मैं बेटी को किसी भी हाल में तेजी से ड्राइंग खत्म करने नहीं दूंगी। ओह, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, पता नहीं किसने क्या ड्रॉ किया है। बेटी, ये चमकदार बना है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं। नहीं, मुझे वास्तव में तुम्हारी ड्राइंग पसंद नहीं है। यहाँ एमा की ड्राइंग देखो, यह बहुत अच्छा निकला। तो सभी गम जाता है एमा को। अरे वाह, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उसके लायक हूँ। चलो देखें कि च्युइंगम कितने स्वादिष्ट हैं और उनकी मदद से क्या बबल फुलाए जा सकते हैं। मुझे यह बहुत पसंद है। ओहो, देखो ये कितना बड़ा बन रहा है। अच्छा, तो तुम इतना दिखावा कर रही हो, अब तुम यह लो। अरे, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम सब जानना चाहते हो कि आखिर दौर में तुम्हारे लिए कौन सा पुरस्कार इंतजार कर रहा है? बेशक चाहते होंगे। यह बहुत सारे अलग अलग मीठे ट्रीट से भरी एक बड़ी बॉक्स है। इसे मार्कर्स के साथ ड्रॉ करना होगा। सबसे अच्छी ड्राइंग बनाने वाले को इस बॉक्स के सारे कैंडी मिलेगी। समय शुरू हो चुका है। अच्छा, चलो चलते हैं। मेरे लिए तो मार्कर से ड्राइंग करना बाएं हाथ का खेल है, तो मेरे लिए कैंडी के बॉक्स बनाना कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो मैं यह कितने अच्छे से कर पा रही हूँ। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, यह अच्छा बन रहा है। ओह, बेटी तो बहुत अच्छा कर रही है, पर लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है। मेरे लिए इस बॉक्स को बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैं कागज के इस टुकड़े का इस्तेमाल करूंगी। हाँ, यह अच्छे से बन गया, एक छोटा सा बॉक्स। और अब मार्कर से काम किया जाएगा। इसकी मदद से मैं बॉक्स को सबसे चमकीले रंगों में कलर करूंगी। मुझे तो लगता है ये एकदम बकवास है। ड्राइंग अभी भी बेकार ओरिगामी की तुलना में बेहतर है। सबसे महत्वपूर्ण बात है रेनबो कैंडी को खूबसूरती से ड्रॉ करना। मुझे यह भी पता है कि यह कैसे करना है। हाँ, देखो यह अच्छा बन रहा है। मैं अलग अलग रंग लगाऊंगी। अब बस पर्पल रंग ही बचा हुआ है। कैंडी ड्रॉ करना बहुत आसान है। कैंडी को काट कर बनाना, ये बहुत कूल होगा, ताकि वे एकदम असली दिखे। आप इन कैंडी के साथ इस बॉक्स को भर सकते हैं।
लड़कियों, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, अपना काम दिखाओ। बेटी, तुमने आखिरकार कुछ सुंदर बनाया है, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। हाँ, मैंने बहुत मेहनत की थी। वाह एमा, मैंने तो ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा है। तुमने सच में कुछ अच्छा किया है, इसलिए अब ये पेपर कैंडीज असली में बदल जाएंगे। ओह, यह कितना अच्छा है। चलो इसे चखती हूँ। हाँ, यह कागज से तो बहुत ही अच्छा स्वाद है। बेटी, हाथ हटाओ, ये मेरी कैंडीज है। अरे एंडी, आशा है कि तुम हमें नहीं भूले होंगे। चलो करो, तुम लगभग वहाँ पहुँच गए हो, तुम जीतने वाले हो। बस बहुत हो गया, मैं सबसे थक गई हूँ, मैं उसे अभी सबक सिखाती हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं बस ये देख रहा था कि तुम्हारा पुरस्कार काम कर रहा है या नहीं। चलो अब ड्राइंग शुरू करो। ओ, वीडियो गेम, बहुत बढ़िया, यह कोशिश के लायक है। आराम से लिली, मेरी ड्राइंग लगभग समाप्त हो गई है। ओ नहीं, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब इसे जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। पर अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास एक ग्राफ पेपर है, यह लाइन ड्राइंग करने में मदद करेगी। यह किसी छोटे बच्चे की ड्राइंग की तरह लग रहा है, हालांकि लिली अच्छा कर रही है। मुझे और भी बेहतर करने की जरूरत है। अब समय है रंग लगाने का, नीला रंग सही होगा। यह क्या है? जिसने भी ऐसा किया है उसकी खैर नहीं। इसके बजाय शायद तुम्हें हमारा काम देखना चाहिए। मैंने कोशिश की, मैंने भी। एंडी, तुम्हें मानना पड़ेगा कि मेरा सबसे अच्छा है। हाँ, मैरी का नीला पेंट जगह पर है। अब मैं समझ गया, यह तुम्हारी करतूत है। अब मेरा बदला लेने का समय है। तुम क्या कर रहे हो? रुको। हाँ, पेंट से नहाना मजेदार नहीं है, है ना? मैरी, बधाई हो, तुम जीत गई। बिल्कुल सही, अब यह वीडियो गेम मेरा हुआ, हम साथ में खेल सकते हैं। वाह, यह बहुत रोमांचक है। एंडी, हम इसे भूलेंगे नहीं। नया दौर, नया पुरस्कार। What? तुम क्या कर रहे हो? एक चाल देखना चाहती हो? यह रहा सोने की ईंट। ऐसा नहीं हो सकता, यह तो किसी किस्मत वाले को ही मिलेगा। ओ, भारी है। ठीक है, चलो अब शुरू करो, हमें जल्दी करने की जरूरत है। Here we go! अगर मैं सोना जीत लेती हूँ तो क्या होगा? मैं तो सोच कर ही खुश हो रही हूँ। मैं पूरे दिन सोने में तैरती रहूंगी और मैं जो चाहूँ खरीद सकती हूँ। अच्छा होगा कि तुम अपना ब्रश उठाओ और काम करो, केवल सपने मत देखते रहो। हालांकि जितनी कम प्रतिस्पर्धा होगी उतना अच्छा होगा। बस थोड़े से ब्रश स्ट्रोक बचे हैं और मेरी आउटलाइन तैयार हो जाएगी। लिली अच्छा कर रही है, मुझे बस उस पर एक तिलचट्टा डालना होगा। मुझे कॉकरोच से डर लगता है। अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ और इसको सुनिश्चित करने के लिए मैं इस पीले रंग को हटा देती हूँ। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। धन्यवाद केट। मेरा पेंट कहाँ गया? ठीक
ठीक है, फिर मैं नारंगी रंग लूंगी। क्या यह सोना है? असली सोने जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मेरी ड्राइंग बिल्कुल असली सोने की तरह लग रहा है। समय समाप्त हो गया, मुझे दिखाओ कि तुम लोगों ने क्या किया है। मेरे पास कुछ भी करने का समय नहीं था। यह एकदम बेकार है मेरी, एकदम खराब। और मेरा कैसा है? सोने जैसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, पर केट की ड्राइंग एक मास्टरपीस है। यस! अरे वाह, मैं जीत गई। और यह सोना तुम्हारा हुआ। वे कहाँ है? आह, चोट लगी। बेचारी लड़की जीत का भार संभाल नहीं पाई। सोना अभी भी मेरा है। मैं अभी तक सोच नहीं पाया हूँ कि तुम लोगों को क्या देना है। फिर ओह, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? बहुत सुंदर। इधर बैठो प्यारी बिल्ली। मैं उसे अपनी गोद में उठाना चाहती हूँ। जो जीतेगा उसे वह मिल जाएगा, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। इस दौर में आराम की गुंजाइश नहीं है, मुझे और नारंगी रंग की जरूरत होगी। ओह, असल में इसका आकार सही आ रहा है। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ, मैं अपने चेहरे का उपयोग अतिरिक्त कैनवस के लिए करूंगी। What? पर तुम बिल्ली की तरह बिल्कुल नहीं दिखती हो, ऐसा तुम सोचती हो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और इसके अलावा मुझे पता है कि कैसे सही तरीके से बिल्ली की ड्राइंग बनानी है। कलाई को इस तरह से रखा और अब चेहरा तैयार है। बस अब इसके शरीर को बनाना है। अब कुछ छोटी छोटी चीजें। केट, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, पर मुझे तुमसे कुछ अच्छा करना होगा। और मुझे पता है कि यह कैसे करना है। यह एक सुंदर मछली है, बस किसी को बताना मत। अब समय समाप्त हो गया है, चलो देखते हैं कि लड़कियों ने कैसा किया है। या जो मैंने किया है। बिल्कुल ओरिजिनल। लिली, तुम्हारी तो बिल्ली जैसी नहीं दिख रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह क्या है। और मेरे ड्राइंग के बारे में क्या कहते हो? वाह वाह वाह, मुझे लगता है हमें विजेता मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने अपना मन बदल लिया है, लिली जीत गई। यह सही नहीं है, उसने मछली बनाया है। मुझे पता था कि यह चालाक चाल मुझे पक्का जीत दिलाएगी। पकड़ सकती हो केट? अरे मैं तो लगभग भूल ही गई थी, यह तुम्हारे लिए छोटी सी ट्रीट है। मुझे लगता है वो इसे पसंद आएगा। हम अगले दौर के लिए क्या बना सकते हैं? समझ गया, चलो एक सफेद टेबल का उपयोग करता हूँ। पॉपिट, जरा इसे देखो, यह कितना अच्छा है। और तुम्हारे पास बहुत सारे बबल होंगे पॉप करने के लिए।
हाँ, मैं समय के बारे में लगभग भूल ही गया। चलो लड़कियाँ शुरू हो जाओ, जब तक तुम लोग ड्राइंग करती हो तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। मैं फिर से कुछ ओरिजिनल करने की कोशिश करती हूँ। आकार एकदम सही है, और अब इसमें रंग लगाती हूँ। ठीक ही लग रहा है, मैं इसे और भी बेहतर बना सकती हूँ। मैं अपने हाथों से पेंटिंग करने की कोशिश करती हूँ। वाह, यह बहुत अच्छा है, एक असली पॉपिट को पॉप करने जैसा। माफ करना पर यह बहुत बुरा लग रहा है। कैसा सिर्फ मुझे लग रहा है या सच में मेरा दिल पॉपिट की तरह नहीं लग रहा है? मुझे इसे कुछ करना होगा, मुझे पता है इसमें मेरी क्या मदद करेगी। यह एक पॉपिट है, बस इसे किसी तरह से बड़ा करना होगा। ओह, मैं समझ गई, बस इसे पलटकर छाप देती हूँ। एकदम सही, और अब इसमें रंग भर देती हूँ। ओएमजी, मैं कितनी स्मार्ट हूँ। क्या समय समाप्त भी हो गया? रुको, मेरा मतलब है चलो, यह एकदम सही है। यह क्या किया है? मेरी ड्राइंग कैसी है? बुरा नहीं है, पर मेरा सबसे अच्छा है ना? वाह, मैं फिर से जीत गई। नहीं, मैरी जीत गई है। मैरी? कैसे, क्यों? तो फिर लिली या मैरी? मैं बहुत उलझन में हूँ। मैं समझ गया, मैं बिना देखे इस पॉपिट को उछाल देता हूँ। यह मेरा है। ऐसा तुम सोच रही हो, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान रही हूँ। इसे देखना सच में रोमांचक है। वाह, इस तरह से अंत की उम्मीद नहीं थी। हम सब यहाँ ऐसे ही क्यों बैठे हैं? इतनी हड़बड़ी मत करो, मेरे पास तुम लोगों के लिए यहाँ कुछ दिलचस्प है। एक गम बॉल मशीन। मैं देख रही हूँ कि तुम सब बहुत उत्साहित लग रहे हो, तो चलो काम पर लग जाओ। अरे सूजी, देखो वो क्या है। ओ, अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सरप्राइज है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है जैक। रुको, सारे अच्छे रंग कहाँ गए? खैर, जो भी हो, मैं जानती हूँ कि मैं अपनी ड्राइंग में रंग कैसे ला सकती हूँ। वाह, स्कीटल्स, यह कितना बढ़िया आइडिया है। लगता है मेरी योजना बेकार निकली। और तुम दोनों तो यहाँ मेरे बारे में भूल गए हो, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब चलो देखते हैं जैक क्या कर पाएगा। यह अजीब है, मेरी पेंसिल काम नहीं कर रहे हैं, और यह वाला भी नहीं। बाकी के सारे को क्या हुआ? क्या चल रहा है? मेरे पेपर को क्या हुआ? रुक जाओ, कृपया मुझे अपनी ड्राइंग दिखाओ। एमा, अच्छा है लेकिन उतना नहीं। जैक, इतनी देर से तुम क्या कर रहे थे? सूजी, क्या बढ़िया चित्र बनाया है, बधाई हो, या तुम्हारा है। सपने वास्तव में सच हो जाते हैं, लेकिन मुझे गम तक पहुंचने के लिए एक सिक्के की जरूरत होगी। नहीं, मैं एक सिक्के की कमी की वजह से नहीं रुकूंगी। उप्स, शायद मैंने ज्यादा ही जोर से हिला दिया। चुनौतियों में मुझे हमेशा भूख लग जाती है। मुझे लगता है कि इससे कुछ कर सकती हूँ हमारे अगले दौर के लिए। एक चॉकलेट फाउंटेन, यह एकदम सही है। सही कहा, इससे बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता था। यह तो लड़ने लायक है, पहले प्रतियोगी से छुटकारा पाता हूँ।
अरे मेरे चश्मे कहाँ गए? चिंता मत करो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, बस एक सेकेंड। ये लो। धन्यवाद जैक, लेकिन मुझे ये पहनने के बाद भी कुछ नहीं दिख रहा है। ये कौन सा रंग है? जो तुम्हें चाहिए था वो तो बिल्कुल नहीं है। अरे नहीं, मेरे पास भूरा रंग नहीं है। शायद मैं कुछ मिला दूं तो फिर हो जाए। ओह, ये अच्छा नहीं हो रहा है। अब तक तो सब मेरे लिए अच्छा है, अब बस चॉकलेट के लिए कुछ इस्तेमाल करना बाकी है। क्यों ना असली वाला ही ले लूं? यह तो बढ़िया किया सूजी, मुझे पता है मैं बहुत चालाक हूँ। यह मैंने क्यों नहीं सोचा, कितना आसान था, लेकिन अब बहुत देर हो गई। बहुत अनोखा है सूजी। जैक, इतना गंदा चित्र बनाने के लिए तुम्हें किसने प्रभावित किया? एमा, तुम्हारा चित्र बहुत प्यारा और रंगीन है, तुम जीत गई इस दौर में। वाह, कमाल है, धन्यवाद, मैं स्वादिष्ट पुरस्कार लेने के लिए आ रही हूँ। कहाँ है? ओह, मिल गया। तुम क्या कर रही हो एमा? चक्कर देख रही हूँ। तुम दोनों को तो कोई आइडिया नहीं है कि ये कितना अच्छा है। यह देखो दोस्तों, यह है सबसे नया मॉडल। मुझे लगता है कि मुझे पहन कर देख लेना चाहिए। ओह, एकदम अच्छे से अट गया। शर्त लगा लो कि वो मेरे होंगे। मेरे पास तो कुछ है भी ड्रेस करने के लिए जिससे मेरा ड्राइंग लड़कियों से बेहतर हो। कभी मत करना कि मैं रचनात्मक नहीं हूँ। ये बदबू क्या है, मुझे घुटन हो रही है। शुक्र है कि मेरे पास ये गैस मास्क है। सूजी सही कह रही है, इसकी महक भयानक है, मुझे अच्छी ताजी हवा चाहिए। नहीं, इससे कोई मदद नहीं हुई। समय समाप्त। बहुत बढ़िया, मेरा खत्म भी हो गया, लेकिन स्पष्ट रूप से सूजी की ड्राइंग बेहतर है। जैक, तुम्हारी ड्राइंग ठीक ठाक है। कितना अजीब है, एमा तो बेहोश होकर जमीन पर गिरी है। तो सूजी, जीत तुम्हारी हुई। अपने नए जूते की जोड़ी को पकड़ो। पकड़ लिया। ओह, लगता है कि ये एकदम नए नहीं है। क्योंकि सिर्फ मैं ही बाकी हूँ, तब मैं ये ले लेता हूँ। एक शानदार ड्रोन। वाह, मुझे हमेशा से एक चाहिए था, सिर्फ तुम्हें ही नहीं चाहिए था। इसके बारे में सोचना भी मत, इस बार कोई मुझे हरा नहीं सकता है। इस दौर में जीतने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यह तो बहुत बुरा है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास भी है। सूजी, मुझे वो ब्रश देना। कितनी भोली है वो, उसे मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। ये लो, मेरा कप उल्टा कैसे हो गया? जैक, क्या इसके पीछे तुम्हारा हाथ है? मेरा पेपर तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी लग रही है, मेरे पास तो सिर्फ पेंट के दाग हैं। हाँ, वो उतना अच्छा नहीं है। जैक, यह तो तुम्हारा अब तक का सबसे अच्छा ड्राइंग है। एमा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने क्या बनाया है। निश्चित रूप से जैक है विजेता। आखिरकार जीत गया। ड्रोन सीधा उड़कर जाएगा तुम्हारे हाथों में। बहुत बढ़िया,
ये तो पागल हो गया है, कहाँ उड़कर जा रहा है? ये आ रहा है सीधा लैंडिंग पैड पर, और यह ड्रोन मेरा है। तो लगता है कि ड्रोन ने ही एमा को चुना है। एक हेलमेट, सुरक्षा के लिए एकदम सही चीज। किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हो? शुरू करो। इसका ब्रांड भी बहुत अच्छा है। वो हेलमेट तो मेरा है। चिंता मत करो जैक, हमें चाहिए भी नहीं, लेकिन तभी भी हम थोड़ा मजा कर सकते हैं। ओ, मुझे लगता है वो मेरा फोन था। सूजी ने मुझे मैसेज भेजा है। यह कमाल का आइडिया है, मैं तो 100% तैयार हूँ यह करने के लिए। चलो सूजी, और सबके पेंसिल नीचे। हो गया। लड़कियों, आशा है कि तुम निराश नहीं होगी। लेकिन वो क्या है, जैक सही कर रहा है, तुम दोनों उसे बधाई दे सकती हो। हम तुम्हारे लिए सच में बहुत खुश हैं। हाँ, और हम अपनी खुशी तुम्हें दिखाएंगे भी। मेरा हेलमेट कितना सुंदर है। और इसमें तो सरप्राइज भी भरे हुए हैं। आशा है कि ठीक से अट जाए। अरे, यह क्या बकवास है? कच्चे अंडे कैसे? हमें लगा तुम्हें पसंद आएंगे। जाइए दोस्तों। ओ, कितना स्वादिष्ट कुकी है। इतने अच्छे स्वाद वाला मैक्रून मिलना मुश्किल होता है। केवल एक? बिल्कुल नहीं। क्या तुम लोग इसी की उम्मीद कर रहे थे? एक पूरा केक तो बेहतर है। मैं इसके स्वाद को महसूस कर सकती हूँ। हाँ, यह शानदार लग रहा है। ध्यान रखें कि तुम्हारे पास बस एक मिनट है पेंट करने के लिए, और सबसे अच्छी पेंटिंग को यह मीठा ट्रीट मिलेगा। वह मेरा होने वाला है। मुझे कुछ विशेष पेंट की जरूरत होगी। धन्यवाद, मुझे इसी की जरूरत थी। ओ वाह, अच्छा आइडिया है। ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। क्या? कांटे की टक्कर है। क्या, ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। एमा, इधर देखो। भूत! अरे बाप रे! बस काम हो गया। अब यह केक मेरा ही होगा, इस बात की गारंटी है। तो लड़कियों, समय समाप्त हुआ, अब अपनी ड्राइंग दिखाओ। देखो, मेरा सबसे अच्छा है। ठीक है, ठीक है। oh, no. यह अच्छा तरीका है, मुझे यह पसंद आया। और मेरे ड्राइंग के बारे में क्या ख्याल है? बहुत बढ़िया, शाबाश। और यह तय करता है कि मोनिका इस बार की विजेता है। मुझे पता था। किसे फर्क पड़ता है, मैं अपनी पेंटिंग खाऊंगी। क्या हुआ? मोनिका चोर है। ठीक है, फिर मुझे भी कोई चाल चलनी पड़ेगी। कैसा रहेगा जब ये केक पूरा तुम्हारे ऊपर रहेगा? इसके लिए मुझे माफ करना जैक, पर बदला तो लेना ही पड़ेगा। तुम बहुत भागशाली हो मोनिका। ओह, क्या? वो केक? क्या? नहीं, मेरा पुरस्कार। अब तुम इसे जमीन से उठाकर खा सकती हो। आशा है कि तुमने अपना सबक सीख लिया होगा। ये ठीक नहीं हुआ। लॉलीपॉप, बहुत बढ़िया, और केक का स्वाद भी बहुत अच्छा है। जितने से क्या फायदा अगर इसका अंत इस तरह से हो? पता नहीं अगले दौर में क्या होगा। बस एक सेकंड, वो कहाँ है? देखो ये कितना चमक रहा है, कौन इसे लेना नहीं चाहेगा। हाँ, मुझे लगता है ये ठीक ही है। ये किस तरह की अंगूठी है? ओ यार, ये तो बहुत बड़ी है। हाँ, और काफी महंगा भी, मेरा विश्वास करो। तो फिर अगर इसे अपनी उंगली पर चाहती हो तो जी जान लगाकर काम पर लग जाओ। समय निकल रहा है। मैं अपने रोज के गहने को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। वैसे यह भी बहुत महंगा है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे जीत सकती हूँ। कितना सुंदर रत्न है और जैक के हाथों से इसे पाना तो किसी सपने के सच होने जैसा है। मैं जैक के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वाह, बहुत अच्छा कर रही है और इसका मतलब है मुझे किसी तरह से उसे रोकना होगा। माफ करना दोस्तों, यह सब बस उस विशाल हीरे के लिए है। यह कहां से आ रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी नहीं। अब यही मौका है मुझे आगे निकलने का। चलो, मैं यह कर सकती हूँ। इस समय समाप्त हो गया है। क्या तुम लोग अपने काम दिखाने के लिए तैयार हो? ओह, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा देख पा रही हूँ। बिल्कुल, हम तैयार है। ईमानदारी से कहूँ तो सूजी, यह भयानक है। वैसे भी मुझे वो सस्ता पत्थर नहीं चाहिए था। मोनिका, तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है। धन्यवाद जैक। और एमा, तुमने भी अच्छा किया। तुम्हारे मुँह से ये सुनकर अच्छा लगा। लेकिन अब मुझे फैसला करना है, मोनिका या एमा। मुझे लगता है दोनों में से बेहतर मोनिका है। बधाई हो। हाँ, मुझे पता था। धन्यवाद जानेमन, मुझे जीत दिलाने के लिए धन्यवाद। यह सही नहीं है, उसने जरूर कुछ रिश्वत दी होगी। और यह अंगूठी तो लग रहा है कि मेरे लिए ही बनी है। एकदम सही, मैं आ रही हूँ मेरे प्यारे जैक। प्यारे जैक, मुझसे दूर रहो मोनिका। पर अभी तुमने प्रपोज किया है और मेरा जवाब हाँ है। मैं आ रही हूँ डार्लिंग। ऐसे सीन की तो उम्मीद नहीं थी। हाँ, वह थोड़ी अजीब हरकत कर रही थी। इस बार एक बड़ा चॉकलेट अंडा टेबल पर है और इसके अंदर एक सरप्राइज हो सकता है। स्वादिष्ट। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। क्या हम शुरू कर सकते हैं? अगर तुम लोग तैयार हो तो फिर शुरू करो। मैं यह कर लूंगी। यह समय है कुछ समझदारी दिखाने का। ब्रश का उपयोग करना भूल जाओ। उंगलियों से पेंटिंग करने में मैं हमेशा से अच्छी हूँ। मैं तुमसे उल्टा करूँगी। जितना ज्यादा ब्रश उतना बढ़िया। इस तरह से मैं कम समय में ज्यादा पेंट कर पाऊंगी। मैं सच में जीनियस हूँ। मेरे लिए अंडा लाओ जल्दी। धन्यवाद। हालांकि थोड़ा जल्दी और हो सकता था। इसका बहुत धन्यवाद। इसकी वजह से मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी बनेगी। अब इसका काम हो गया। यह क्या? क्या यह कोई मजाक है? मेरी ड्राइंग पूरी तरह खराब हो गई। अब तुम देखना सूजी। अब समय समाप्त हो गया। अपनी ड्राइंग को पकड़ कर रखे। सूजी, बहुत अच्छा काम। मुझे पता है, पर धन्यवाद। मोनिका, यह तुमने क्या बना दिया है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओ चलो, यह बहुत अच्छा है और तुम्हें यह पता है। एमा, तुम्हारे ड्राइंग पर यह गीली गीली चीज क्या है? यह मेरी गलती नहीं है, मैंने यह नहीं किया है। कोई बात नहीं, यह तय रहा। सूजी, यह अंडा तुम्हारा है। हाँ, इसे दे दो। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। यह लो मोनिका। हाँ, खुशी खुशी। एमा, यह तुम्हारे लिए है। वाह, मेरे लिए अच्छा है। तुमने मुझे क्यों दिया? क्या मेरा सरप्राइज पसंद नहीं आया? कितना भयानक है। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बस आ रहा हूँ, अपने पेंट ब्रश तैयार कर लो। वाह, वो उड़ रहा है। मैं यहाँ हूँ और आज का अंतिम पुरस्कार यह एस्ट्रोनॉट हेलमेट है। मेरी बात मानो, ये बहुत अच्छा है। वाह, तब मैं भी अंतरिक्ष में उड़ सकती हूँ और सितारों के करीब से देख सकती हूँ। अब जब कि तुम सब लोग इसे जीतना चाहती हो तो मैं टाइमर चला रहा हूँ। चलो शुरू करो दोस्तों। ब्रश नहीं, ये बहुत साधारण है। मैं इसकी जगह पर पंख का उपयोग करूँगी। धन्यवाद, ये मेरे पेंटिंग को और अधिक महंगा एहसास करवाएगा। जैक और मैं साथ में अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। हम हाथ में हाथ डालकर वहाँ सैर करेंगे। ओ, ये कितना रोमांटिक होगा। हाँ, क्या? ओ, मैं अपने सपनों में खो गई थी। ओ, तुम्हारा मतलब फिर से? यह कैसी आवाज है? मुझे पता है कि हम यहाँ अकेले नहीं है। मुझे अपनी रक्षा करनी होगी। मैं इसमें जाना नहीं चाहती। वे मेरा अपहरण कर लेंगे।
समय समाप्त हो गया, अपनी पेंटिंग दिखाओ। सूजी, मुझे सुखद आश्चर्य हो रहा है, यह बहुत अच्छी है। और मोनिका, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ठीक है एमा, तुम्हारे पास मेरे लिए क्या है? क्या हुआ? अब जो है सो है। तब इसका मतलब है वो केक सूजी को मिलता है, मेरा मतलब हेलमेट। मुझे पता था मैं ही जीतूंगी, मैं ये ले लेती हूँ। हाँ ये लो, ये तुम्हारा हुआ। ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, अब मैं पृथ्वी पर नहीं रहूंगी, मैं सितारों के बीच में रहूंगी। तुम्हारी यात्रा अच्छी हो, बस वहाँ एलियन से दूर रहना। What?